फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अपवर्तन के दो नियम, जिसमें दूसरा जो नियम बताया था मैंने कि साइन आई बटे साइन आर बराबर है एक स्थिरांक। ये मैंने बताया कि साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। मतलब जो मैंने चित्र बनाने में बताया था कि प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ऐसा मान लीजिए एंगल आई एस एंगल आर है, इसका साइन साइन आई बटे साइन आर बराबर है एक स्थिरांक, और इस स्थिरांक को बोलते हैं अपवर्तनांक। ये जो चीज है इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम ये पेपर में आ चुका है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? साइन ऑफ एंगल आई बटे साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर एक स्थिरांक होता है और इस स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। इसकी परिभाषा भी पेपर में आ चुकी है और अपवर्तनांक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी पेपर में आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई थोड़ा सा समतल दर्पण की। समतल दर्पण वो दर्पण जो हम घरों में अपना चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं वो होता है समतल दर्पण। मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल है, जैसे ये बिल्कुल समतल, ये जो लाइनें लगाई हुई कल भी मैंने बताया था पहले वीडियो में, ये लाइनें लगाने का मतलब है कि इस साइड में ये इसके पीछे पॉलिश की हुई है। पॉलिश का मतलब पेंट लगा दिया। पेंट से पहले एक परावर्तक सतह लगाई जाती है किसकी? एल्यूमिनियम की या फिर सिल्वर की। इस साइड वाला ये हिस्सा जो चमकीला है ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। अब समतल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनाता है वो हम देखते हैं। देखो, इससे पहले कि ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है वो समझने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। जैसे कि वस्तु या बिंब क्या है? दर्पण के सामने जो भी कोई चीज रखी जाएगी, जैसे हम अगर दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें वस्तु का आ जाएगा या फिर बिंब का आ जाएगा। अब बिंब दो तरह का होता है। एक बिंब बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज, बिल्कुल बिंदु के आकार, उसको बिंदु से दिखाएंगे। एक ऐसा बिंब जिसकी कोई ना कोई एक ऊंचाई होगी, मतलब बिंदु जैसा नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा, तो हम उसको दिखाएंगे एक लाइन से और ऊपर एक एरो लगी होगी। मतलब ये कोई वस्तु है। मैं अभी सिर्फ वस्तु और या बिंब के बारे में बता रहा हूँ कि हम बिंब को कैसे बनाएंगे दर्पण के सामने। तो उस अगर वो बहुत छोटी है बिंदु के आकार की तो उसको बिंदु से दिखाएंगे, अगर वो बिंदु से बड़ी है तो हम उसको एक लाइन से दिखाएंगे जिसके ऊपर एक एरो लगा होगा। ठीक है, उसके बाद बात आपकी प्रतिबिंब क्या होता है। इस वस्तु का या बिंब का जो जो छाया दर्पण में दिखाई देती है, जैसे अगर हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो उसमें जो हमारी परछाई दिखाई देती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक, अब प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। समतल दर्पण, चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अंतर क्या है दोनों में? देखो, अंतर समझ लो। इधर लिखो वास्तविक और आभासी, पहले पढ़ रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे हम जाते हैं सिनेमा हॉल में, वहां पे पिक्चर जो देखते हैं उसमें जो पिक्चर दिखाई देती है, उसमें जो लोग दिखाई देते हैं वो एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। उसमें जो वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है पर्दे के ऊपर तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो कहने का मतलब क्या,
कोई भी ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें हकीकत में एक दूसरे को काटती हैं। जैसे ये सूर्य है, इससे ये किरणें आई, अगर ये एक दूसरे को हकीकत में काट रही है जैसे यहां, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा, लेकिन ये किरणें नहीं काटती, अपने आप नहीं काटती। कब काटेंगी? ये ऐसे तो ऐसे बिखर जाएंगी, ये अपने आप को नहीं काटेंगी। ये काटेंगे क्यों? जब हम इसके सामने या तो दर्पण रखे या फिर लेंस रखे। जैसे मान लो ये दो किरणें हैं और हमने इसके सामने कोई दर्पण रख दिया, ये दर्पण रख दिया इसके सामने, तो ये अंदर से चमकीला है, ये इसे टकराएगी ऐसे जाएगी, ये इसे टकराएगी ऐसे जाएगी, तो ये यहाँ काटेगी। देखो ये किरणें इस दर्पण से टकराकर इससे दूसरी साइड नहीं गई है, जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पीछे परावर्तक पृष्ठ लगा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ होने के कारण वो इसका परावर्तन कर देगा, तो ये किरणें वापिस आ जाएंगी, तो ये वापिस आएंगी तो ये एक दूसरे को यहाँ काटेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको ये किरणें इस बिंदु से आती हुई दिखाई देगी, हालांकि हकीकत में ये इससे नहीं आती, ये यहाँ से आई है, लेकिन उसको जो दिखाई देगी वो इस बिंदु से आती हुई दिखाई देगी, तो ये बिंदु उसको लगे, तो ये बिंदु जो है इसका एक प्रतिबिंब बन गया इस वस्तु का। हालांकि ये यहाँ पे ये वस्तु नहीं है, वस्तु यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे दिखाई देगी, तो ये इसका प्रतिबिंब है। समझ में आ गया? तो ये किरणें वास्तव में काट रही है एक दूसरे को। अब दूसरा लेते हैं, मान लो ये दर्पण है, इसका ये भाग चमकीला है कि एक प्रकाश की किरण ये है टकरा के चलेगी इस साइड, एक प्रकाश की किरण ये है टकरा के चलेगी इस साइड। देखो टकराने के बाद कहीं भी नहीं काट रही, वास्तव में काट ही नहीं रही एक दूसरे को, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। लेकिन पीछे अगर हम बढ़ा देंगे, ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें इस बिंदु से आई हैं, जबकि हकीकत में ये इससे नहीं आई हैं, ये आई तो इधर से और इधर ही चली गई, लेकिन इसको पीछे बनाने पर वास्तव में किरणें नहीं है, ये यहाँ पे ये वास्तविक किरणें थी जो इससे आई थी, टकराई और काटी, यहाँ पे जो आई टकराई और चली गई, ये आई टकराई और चली गई, और पीछे बनाने पर हमें ये महसूस हुआ अभी उन्होंने यहाँ पीछे काटा है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं बनेगा, ये आभासी है, मतलब ये सिर्फ प्रतिबिंब की एक इल्यूजन है ये उसका, और कुछ नहीं है। तो बात समझ में आ गई, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें हकीकत में एक दूसरे को काटती हैं, वास्तव में काटती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में हमें बस प्रतीत होता है कि एक दूसरे को काट रही है पीछे बनाने पे, वो भी वो वास्तव में नहीं काटती, ठीक है। अब बात करते हैं समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो ये समतल दर्पण है, ये लाइन अगर मैंने लगा दी तो ये समतल दर्पण नहीं बनेगा। दर्पण कब बनेगा? जब इसके पीछे ये ऐसे लाइन लगाओगे, ये लगाने के बाद ही ये दर्पण बनेगा। अगर कोई चित्र आता है पेपर में तो ये लाइन लगानी पड़ती है, तभी नंबर मिलता है, एक लाइन लगाने का कोई नंबर नहीं है। अब मान लो इसके सामने बहुत छोटी वस्तु रखी है, मैंने भी बताया था वस्तु दो तरह की होती है, बहुत छोटी भी हो सकती है जिसको हम बिंदु से दिखाएंगे, और कोई बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बिंदु के आकार की कोई वस्तु इसके सामने रखी है, ठीक है। तो अब प्रकाश की कोई किरण इससे निकली, इससे टकराए दर्पण से, अब इसके पीछे तो परावर्तक सतह लगी हुई है एल्यूमिनियम की या चांदी की, वो इसको इससे पार तो जाने नहीं देगी, नहीं जाने देगी। तो मैंने एक बात और बताई थी, अगर प्रकाश की कोई किरण इस पे बिल्कुल सीधे आए प्रतिबिंब सॉरी नॉर्मल के नॉर्मल मतलब अभिलंब के साथ साथ आए ऐसे सीधा, तो वो टकरा कर वापिस ही मिल जाएगी, ऐसे ही आई और वापिस चली गई। अगर तुम कहो
या पूछो कि इस समय इसका आपतन कोण कितना है और परावर्तन कोण कितना है, तो इस समय जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ साथ आती है उस समय उसका आपतन और परावर्तन कोण दोनों जीरो होते हैं, जीरो डिग्री, याद रखना ये बात, ठीक है। इससे टकराई और वापिस चली गई, ये प्रकाश की एक किरण है। वस्तु ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही किरण छोड़ रही है, बहुत सारी किरणें छोड़ती है, ये चारों तरफ से किरणें छोड़ रही है, इधर भी इधर भी इधर भी। अब हमने सिर्फ दो किरणों को लेना है, अगर हम दो किरणों को लेंगे तो ये अच्छे से समझ पाएंगे, सभी किरणों को हमने नहीं लेना। तो एक तो ये ले ली, एक और ले लो, एक किरण ये आई। अब हमें पता है परावर्तन के नियम के अनुसार जितने एंगल से ये इसका अभिलंब हो गया, जितने एंगल से आई उतने एंगल से चली जाएगी, ये हो गया ठीक। देखो ये आई और चली गई, ये आई और चली गई, ये टकराने के बाद क्या ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी? कहीं भी काटेंगी, इसलिए इसमें प्रतिबिंब वास्तविक तो बनना ही नहीं है, तो काटेंगी कहाँ पे? तुम यहीं पे खड़े हो, यहीं से देख रहे हो ठीक। और देखो पीछे बढ़ा दिया, यहाँ टकराने के बाद जो तुम्हें किरणें दिखाई देंगी आती हुई, वो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि वो इस बिंदु से आ रही है, जबकि किरणें इसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकती, पर इस दर्पण को कैसे क्रॉस कर लेंगी वो, क्योंकि तो इसके पीछे तो परावर्तक सतह लगी हुई है, लेकिन फिर भी हमें महसूस होगा ये कि ये इसके पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये इस बिंदु पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा ठीक है। इस प्रकार समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये तो पॉइंट साइज है, बहुत छोटी वस्तु की बात करी है उसने। अब हम कोई ऐसी वस्तु ले जो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी वस्तु हमने इसके सामने रख दी, ये वस्तु रख दी हमने, ये वस्तु। देखो अब एक बात याद रखना, एक वस्तु जो बिंदु आकार की नहीं है, थोड़ी बड़ी है, वो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से ही मिलकर बनी हुई है, ये बिंदु ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से ही मिलकर बनी हुई है, तो इसका हर एक हिस्सा, इस वस्तु का प्रत्येक भाग प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा, मतलब अगर प्रकाश की किरण इस पे टकराएगी तो इससे टकरा कर जाएगी, इस बिंदु से भी टकरा कर जा सकती है, इससे भी टकरा कर जा सकती है, सभी से टकरा कर जाएगी ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिरे वाले, बस इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, एक ऊपर वाला ले लो एक नीचे वाला ले लो बस। अब ऊपर वाले में क्या हुआ था, अभी मैंने तुम्हें बताया ही था, एक तो ऐसे गई थी फिर एक ऐसे गई ठीक है, उसको पीछे बढ़ा दिया, ये टकरा कर वैसे आ गई थी तो इसको पीछे बढ़ा दिया, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब तो यहाँ बन जाएगा। अगर बीच में कोई तुम बिंदु की बात करोगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, ये इस बिंदु की बात करोगे तो इसका यहाँ बन जाएगा, और इस बिंदु की बात करोगे तुम तो ये देखो ये प्रकाश की कोई किरण गई टकरा कर वापिस आ जाएगी, कोई दूसरी प्रकाश की किरण की बात करोगे, दर्पण को थोड़ा बड़ा दो, ये गई ये आई ये अभिलंब, इसको पीछे बढ़ाओ, यस थोड़ा पीछे, यस ठीक है भाई, इनको मैं ठीक। तो ये वस्तु जिस जो एक बिंदु आकार की नहीं है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, तो उसका प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देगा ठीक है। ये बात याद रखना कि इस वस्तु में भी प्रतिबिंब वैसे ही बनेगा जैसे बिंदु आकार की वस्तु में बनता है, क्योंकि एक किसी भी आकार की वस्तु भी बिंदुओं से ही जुड़कर बनती है, ये समझ लो ठीक है। तो इस बिंदु की बात करो फिर इस बिंदु की बात करो, तो ऐसे ऐसे करके सभी में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, फिर उन बिंदुओं के प्रतिबिंब के जुड़ने से पूरी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है ठीक। इस प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है।
अब हम बात करते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण क्या है, प्रतिबिंब के गुण क्या है, ठीक है गुण क्या है। तो सबसे पहला गुण देखो, प्रतिबिंब उतना ही, देखो ये वस्तु है और प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, दोनों का आकार समान है। तो पहला गुण तो ये हो गया, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है, पहला गुण। दूसरा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो वस्तु के आकार का बनेगा, आभासी बनता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है इसकी जो लेफ्ट की चीज होगी वो प्रतिबिंब में राइट की दिखाई देगी, और इसकी जो राइट की होगी प्रतिबिंब में लेफ्ट की दिखाई देगी, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तीसरी बात, ये वस्तु प्रतिबिंब से, ये देखो जितनी दूरी पर होती है वस्तु दर्पण से, सॉरी प्रतिबिंब से नहीं दर्पण से, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर ये एक मीटर है, वस्तु दर्पण से एक मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से एक मीटर की दूरी पर बनता है। अब मान लो प्रश्न आ जाए कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु एक मीटर रखी हुई है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो एक मीटर तो ये आगे और ये एक मीटर पीछे, तो दोनों को जोड़ देंगे, एक प्लस एक दो मीटर। दो मीटर मतलब क्या, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी दो मीटर है। ऐसे को मां फिर आगे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।